हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ एक बड़ी अपडेट लेके जुड़ चुका हूँ। जैसे कि हम पिछले एक महीने से प्रेडिक्ट कर रहे थे कि एग्जाम हो नहीं सकता, एग्जाम लेना बहुत ही डिफिकल्ट है, और आज फाइनली अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन ले लिया है कि 12 सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम नहीं होने वाले, और इसका सीधा सीधा यही इम्पैक्ट है कि आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का भी पेपर होने के चांसेस या नहीं के बराबर ही है। जैसे 10th सीबीएसई ने पहले डिसीजन लिया कि 10th एग्जाम कैंसिल, महाराष्ट्र के भी एसएससी बोर्ड के एग्जाम कैंसिल। अगर सीबीएसई ने ऑल ओवर इंडिया लेवल पे 12th के एग्जाम कैंसिल कर दिए दोस्तों, तो बट ऑब्वियस है कि अपने एचएससी बोर्ड के भी एग्जाम कैंसिल ही है। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज है, अब आप लोगों का टेंशन खत्म हो जाना चाहिए ऑफिशियली। दोस्तों बहुत दिनों से बहुत सारी चीजें मैंने आपसे करवाई, राइट, बहुत सारे रिवीजन सेशंस हुए, देन आफ्टर पिछले 15-20 दिन से स्पेसिफिकली मैं कह रहा था पेपर नहीं हो सकते और होंगे ही नहीं। कुछ बच्चों का कहना था सर हो जाएंगे, वो तो लेने ही वाले पेपर, बट आज फाइनल कॉल आ चुका है। आप पीछे मतलब इमेजेस देख रहे होंगे कि बड़ा डिसीजन आ चुका है, सीबीएसई के एग्जाम 12th के अब कैंसिल हो गए हैं, और अब आगे कैसे होगा, किस तरह से आपके पेपर लिए जाएंगे या एंट्रेंस टेस्ट कोई देना है क्या? जैसे 10th एग्जाम के लिए उन्होंने सीईटी रखी हुई है, ऐसे 12th के लिए कुछ है क्या? इन अपडेट के साथ मैं बहुत ही जल्द जुड़ूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।